नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ चंदन पटेल। और देखिए, आज मैं एक बार फिर से बात करने जा रहा हूँ किलपेस्ट इंडिया के ऊपर। देखिए, इसका जो अभी रेट चल रहा है, आप यहाँ पे रेट अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको इस स्टॉक की जो वैल्यू है वो आपको साफ साफ दिखाई देगी। देखिए, इस स्टॉक की जो अभी रेट चल रहा है लगभग 446.95 रुपये चल रहा है। अगर हम इस स्टॉक की बाउंड बिग हाई की बात करें तो देखिए, हाई देखना हमें इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये लगभग आपको 40 से 45% के डिस्काउंट पे ये स्टॉक मिल रहा है। आप ध्यान दे रहे हैं, लगभग 40 से 45% के ऊपर ये डिस्काउंट पे मिल रहा है। आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो बाउंड बिग हाई इसका कितना है, 767। और अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो ये केमिकल एग्रोकेमिकल है और ये स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 335 करोड़ है, बहुत ही बढ़िया। लगभग यहाँ पे हम शेयर होल्डर्स की बात करें तो 16.3K शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखिए बात कर लें इस स्टॉक की, तो इस स्टॉक की अगर हम चार्ट की बात करें तो देखिए ये सपोर्ट कहाँ पर ले सकता है, क्योंकि इसने जो सपोर्टिंग था, कई सपोर्ट लेवल इसने तोड़ दिया है। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो जो इसका सपोर्ट लेवल था, कई सपोर्ट लेवल इसने तोड़ दिया है। देखिए, ये मैं वनडे का चार्ट लगाया हूँ। अगर यहाँ पे मैं आपको वीकली चार्ट लगाता हूँ तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए, वीकली चार्ट थोड़ा सा एक्चुअली क्या कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे देखिए, ये सपोर्ट का लेवल था, ये तोड़ दिया, फिर यहाँ पे थोड़ा बॉक्स ट्रेडिंग किया सपोर्ट के लेवल के तौर पे, लेकिन ये सपोर्ट का कोई लेवल नहीं था। जो सपोर्ट का लेवल है वो यही लेवल है, लगभग 360 से लेके लगभग 400 रुपये तक का ये मतलब सपोर्ट का लेवल है। तो ये अभी लगभग अपने सपोर्ट लेवल में ही स्टॉक आया है, तो आप इसको अभी भी बाइंग कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि अगर ये कोई भी स्टॉक अगर आपको 40% डिस्काउंट पे मिले तो आपको क्या माल नहीं ख़रीदना चाहिए, माल आपको ज़रूर ख़रीदना चाहिए। क्योंकि अगर हम यहाँ पे मंथली चार्ट की बात करें तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, बस खाली देखिए ये इस स्टॉक में कितनी भयंकर तेज़ी देखने को मिली है। आप यहाँ पे देखिए कैसे ये स्टॉक रॉकेट बना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट हो के रॉकेट बना है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक में हमें एक अच्छी वैल्यूएशन की तलाश करनी चाहिए कि ये एक अच्छे वैल्यू पे आए, फिर उसके बाद हम इस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करें। तो देखिए, मैंने आपको जो सपोर्ट का लेवल बताया है वो सपोर्ट का लेवल यही है, ठीक है। एक अपने सपोर्ट के लेवल में ही समझ लीजिए वो ट्रेड कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा गिर सकता है तो ये 300 रुपये के आसपास आ सकता है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि ये यहाँ तक इतनी गिरावट हो सकती है इस स्टॉक में। मार्केट है, गिर सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको इस स्टॉक में अगर ख़रीदारी करना हो तो यहाँ पे आप ज़रूर ख़रीदारी करें। और अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको जैसे ही ये स्टॉक गिरते जाए वैसे ही आपको भारी क्वांटिटी और ज़्यादा ख़रीदना चाहिए, क्योंकि आपको मैं अभी भी बता रहा हूँ तो लगभग 40% डिस्काउंट पे बता रहा हूँ, 40% डिस्काउंट पे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फ्रेंड।